आज मकर संक्रांति स्पेशल मैं चूड़ा का लड्डू बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने गुड़ को तोड़ के रख लिया है। फिर मैंने गर्म पानी डाला है जिससे कि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। इसमें मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अब मैं तिल ही लूँगी। तिल को पानी में अच्छे से धो के मैं इसको छन्नी कर लूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए। फिर मैंने चूड़ा को चाल लिया है ताकि जो भी इसमें कंकड़ दाने हैं वो निकल जाए। अब मैं चूड़ा को भून ले रही हूँ। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक भून लूँगी। फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं फली दाना को भून रही हूँ। इसको भी सुनहरा होने तक मैं भूनूँगी। और भूनने के बाद मैं इसे भी ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद इसे छिलका उतारूँगी। फिर अब मैंने तिल्ली को ले लिया है। तिल्ली को भी मैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही भूनूँगी। ये मैं सारे चूड़े के लड्डू में डालूँगी। अब फली ठंडा हो गया है तो मैंने इसके छिलके को हटा लिया है। अब मैं गुड़ को छन्नी करके इसे पकाऊंगी। गुड़ का सही अंदाज पता करने के लिए हमें पानी में इसे डाल डाल के देखना होगा। जब इसका वो बिंदु बन जाए तो समझ में आ जाएगा कि हमारा गुड़ पक चुका है। अब मैं गुड़ में फली दाना डालूंगी, फिर मैं थोड़ी तीली डालूंगी और ये चूड़ा को डाल के इन सब को डाल को अच्छे से मिलाऊंगी। इसको थोड़ी देर तक अच्छे से मिलाने के बाद मैं अब लड्डू बना के देखूंगी। ये मेरे गोल गोल लड्डू बन गए। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।